जो भी लोग मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए है ये गाना। बेरंग सी है पड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं। जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से कर ले हेलो मोहब्बत। दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सरस्वती अय्यर और मैं मुंबई रहती हूँ। मैं 26 साल की हो गई हूँ और मैंने पूरी भारत की यात्रा की है बिना पैसों के, हिच हाइकिंग करते हुए। आपको तो पता ही है अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम समरकंद सिटी उज़्बेकिस्तान में हैं। ये हमारे होस्ट जो मलिक जी के साथ चल रहे हैं ना, दिलेर भाई, ये करीब 38 ईयर्स के हैं और ये अकेले अपार्टमेंट में रहते हैं और इनका परिवार यहीं पे पास में रहता है। और यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी है। और ये देखो मेरे कैमरा की लेंस कैसे टूट गई है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे उसको ठीक कराने के, पर मैं अभी इंडिया आ चुकी हूँ और मैंने ये लेंस को ठीक कर दिया है। इस वक्त में ना मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि मैं उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान जाने के बदले कजाकिस्तान फिर आ रही थी, क्योंकि मुझे इंडिया आना पड़ा मेरी बैरवी के बम पर, यानी मेरी जो डॉगी है ना, आपने शायद रील वीडियो में भी देखा होगा, उसके बम पर किसी ने पटाखे जला दिए और उसका पूरा बम इतने बुरी तरीके से मतलब डैमेज हो गया था ना, डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं हो पाएगी, पर फिर भी हमने उसके ट्रीटमेंट कराई और वो अच्छी हो गई। पर अभी फिर भी वो डरती बहुत है। ये दोनों मिलकर आगे चल रहे हैं ना, इनकी बातों में मैंने ध्यान दिया, ये एकदम से टेक्नोलॉजी की और बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बातें कौन सी कर रहे हैं। कभी कोई बोल रहा है कि ये गैजेट अच्छा है, वो गैजेट अच्छा है, कभी कोई बोल रहा है कि ये गेम अच्छा है, वो गेम अच्छा है, स्पिरिचुअल बनना है, ऐसी बातें करते हैं। और लड़कियों की बातें देखो ना कैसी होती है, मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कों में और लड़कियों में गॉसिप इतना अलग अलग क्यों है। और मुझे एक और बात समझ में नहीं आती, अगर आप लड़के हो तो आपके लिए अपना इमोशन एक्सप्रेस करना क्यों इतना डिफ़िकल्ट है, क्यों आप अपनी मन की बात सामने नहीं रख पाते हो, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे भी 2 बड़े भाई हैं पर मैंने उनको कभी भी उनके प्रॉब्लम्स को किसी से ऐसे नॉर्मली शेयर करते हुए नहीं देखा, जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है। मेरे कज़न सिस्टर्स हैं और मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो गर्ल्स हैं, जो अपनी प्रॉब्लम को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर देती हैं, रो के या फिर हंस के कैसे भी, पर जो लड़का होता है ना वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा है और मुझे इस बात का बहुत बुरा भी लगता है। शुरुआत में जब मैं घर से निकली थी ना, तब मुझे लगता था कि लड़कियों के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है, ऐसा सब। लेकिन जैसे जैसे मैं यात्रा करने लगी ना, तो मुझे पता चला कि पुरुष सशक्तिकरण की ज़रूरत बहुत है। लड़कों की डिमांड कोई नहीं पूरी कर। अगर आज मैं रास्ते पर कहीं गिर गई या फिर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो 10 लोग आ जाएंगे मुझे हेल्प करने के लिए, पर यही चीज़ किसी एक लड़के के साथ होना तो कोई नहीं आएगा। मुझे इस बात का इतना बुरा लगा कि इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, हम क्यों एक तरफ हर चीज़ देखते हैं। इवन हमारा कानून भी, अगर लड़के के साथ कोई रेप होता है या फिर कोई इंसिडेंट होती है, तो उसके लिए कोई परफेक्ट लॉ नहीं है। कोई भी लड़का अपने खिलाफ़ रेप का कंप्लेन नहीं लगा सकता है। और प्लस इमोशनली भी सोसाइटी उनको इतना क्या कहते हैं, प्रेशराइज कर देती है कि वो खुल के अपनी चीज़ें बता ही नहीं पाते। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है क्योंकि मैं रोज़ वो 5 रुपए वाली आइसक्रीम खा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप चाहो तो मैं उस बारे में भी वीडियो बना सकती हूँ। आप बताओ मेरे को, आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे।
ये दिलेर भाई इतने अच्छे हैं ना, इनको भले ही इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती हो, फिर भी ये भाई हमें इतने अच्छे से कॉपरेट करे, ट्रांसलेटर में बात करके, काउच सर्फिंग में बात करके इन्होंने हमें इनवाइट किया। और ये लास्ट मोमेंट में, जैसे हम निकलने वाले थे ना समरकंद में, तब इनसे हमारी बात हुई काउच सर्फिंग में, और उन्होंने तुरंत बोला नहीं आ जाओ आप मेरे घर पे। इनके घर पे राशन तक नहीं था, इन्होंने हमारे लिए आलू प्याज टमाटर लेकर आए, बोला कि आप इससे पका के कुछ भी खा लो, क्योंकि उनको हमारे स्टाइल का खाना बनाना नहीं आता। तो मैंने वो बनाया और हम सब ने मिलकर खा लिया। और अभी उनको मैं गिफ्ट करने के लिए ये ब्रेड भी ले जा रही हूँ, ये ब्रेड और थोड़े पोटैटो चिप्स वो भाई को मैं गिफ्ट करूँगी अपने साइड से, क्योंकि मेरे पास कुछ महंगी चीज़ ख़रीदने के उतने पैसे थे नहीं, और मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको कुछ दूँ। देखो ये वाले चिप्स मैंने उनके लिए ले लिया और मैं यहाँ से फ्री में खा के जा रही हूँ। ये आदत है ना हम इंडियंस की, जाएगी नहीं, हम हर एक चीज़ को है ना एकदम ख़रीदते वक्त अच्छे से उसकी इंक्वायरी करके ही खरीदते हैं। इवन मैं ये जो चिप्स खरीद रही हूँ ना, इसको भी 10 बार टेस्ट करके खरीदा है। चलो अभी घर चलते हैं, पहुँच गए हम हमारे घर पे। ये देखो हमारे होस्ट जो आगे बैठे हुए हैं, और मलिक जी ने कैमरा पकड़ा हुआ है, और मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये है दिलेर भाई, और ये दूसरे भाई हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं है, वो रशियन है और ये उज़्बेकी हैं। तो ये दोनों भाई मिलकर यहाँ पे ये फ्लैट में रहते हैं, और ये दोनों बैचलर्स हैं, तो इनकी शादी नहीं हुई है और इनको शादी करने का इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे सन्यासी लोग होते हैं ना, वैसा ये रहते हैं, और ये जॉब भी करते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में जॉब भी करते हैं। और इनका किचन कितना प्यारा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और देखो हम ये वाले बेड पे सोए थे, बेड नहीं इनफैक्ट ये फ्लोर पे मैं सोई थी, और इस तरफ मलिक जी सोए थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, हर हर महादेव।